आपका नाम और सरनेम? तुर्कान एटान। आपका नाम और सरनेम? मेहमत कादिर उलचक। आप दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया है। हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे हम आपकी शादी को रोक दें। अब आप लोग अगर सबके सामने शादी के लिए हाँ करते हैं तो हम आपका मैरिज एग्रीमेंट बना देंगे। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, ये तो हमारा काम है। तो मिस तुर्कान, क्या आप बिना किसी दबाव के मिस्टर मेहमत कादिर, जो कि आपके सामने बैठे हैं, उन्हें अपना पति कबूल करती हैं या नहीं करती हैं? आप कबूल करती हैं मिस तुर्कान? करती हूं। मुबारक हो। मिस्टर मेहमत कादिर, क्या आप बिना किसी दबाव के मिस तुर्कान को, जो आपके ठीक सामने बैठी हैं, उन्हें अपनी पत्नी कबूल करते हैं या नहीं करते? आपके जवाब का इंतजार है। आप लोग गवाह हैं, इन्होंने इस शादी को कबूल किया है आपकी मौजूदगी में। आप इसके गवाह हैं मिस्टर बसरी? जी हाँ। हाँ। मैं कानूनी तौर पर आप दोनों को पति और पत्नी घोषित करता हूँ। आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहें।
मुझे मंजूर है। क्या? मैं शादी के लिए तैयार हूं अहमद। ओके मिस्टर मुमताज, आपके फोन का इंतजार रहेगा हमें। थैंक यू सो मच। वो आज से ही प्रोसीजर शुरू कर देंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे। लेकिन पहले हमें एक घर ढूंढना होगा, ये प्रोसीजर का पार्ट है, इससे उन्हें आसानी होगी। ठीक है, मैं देखता हूँ वो। अगर आप चाहें तो मैं अरेंज करवा देती हूँ, हम कोई फर्निश्ड फ्लैट ले लेंगे। नहीं, थैंक यू, पहले ही हमने आप पर बहुत बोझ डाल दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, सच में ऐसा ही है, हमें जल्द से जल्द एक घर ढूंढना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि मैं यहाँ हूँ और सुकरन वहाँ, मुझे उसे साथ लाना होगा जल्द से जल्द। ले आएंगे, डोंट वरी। थैंक यू दीदी। क्यों दसदा नहीं मैनू कित्थे लग तेरा दिल गया वे।